एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, मां दुर्गा की आरती के बाद किया गया नाटक का मंचन। आजमगढ़ बरदा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कमालपुर में नवरात्रि के समय पंडाल में भगवती मां दुर्गा के 9 रूपों का पूजन किया गया था। उसको देखते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल शर्मा द्वारा दशहरा के बाद शनिवार देर रात तक नाटक का मंचन किया गया। उसके बाद जितने पात्र और कलाकार, मुख्य रूप से डॉक्टर रामनाथ द्वारा सबको वस्त्र और मिष्ठान देकर सम्मानित किया और बताया कि दुर्गा पूजा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। नव युवकों का उत्साहवर्धन के लिए भेंट स्वरूप मिष्ठान और वस्त्र को देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में आज 4 तक कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें कमालपुर के वर्तमान प्रधान विनोद विंद सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पूर्व प्रधान कुंवरलाल गामा देखरेख में जुटे रहे कार्यकर्ता और ग्रामीण पंचदेव मिश्रा, शेखू राजभर, राजू शर्मा, विनय बिंद आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखिए मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। ग्राम सभा के प्रधान भी हैं और यहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल भी लगा था। आज उसके उपलक्ष्य में नाटक का कार्यक्रम और पुरस्कार भी दिया जा रहा है। इसके दो शब्द बताने के लिए, यह हम लोग हर साल की भांति साल भी कर रहे हैं, जो कि हर वर्ष होता है। दुर्गा पूजा के उपरांत यहाँ पर छोटा मोटा नाटक का कार्यक्रम होता है, जिसमें छोटे छोटे जो बच्चे कलाकारी नवरात्रि में करते हैं उनको इनाम देते हैं। जो यहाँ के पुराने कलाकार हैं उनका आधा सहयोग रहता है। राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।